बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान क्वीन के तौर पर बना ली है। वो अक्सर अपने बेबाकी के लिए भी जानी जाती है। यहाँ तक कि कंगना के धाकड़ अंदाज के सामने हर कोई पानी कम चाय लगता है। लेकिन इस बीच हाल ही में फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता ने एक्ट्रेस को लेकर कहा है कि कंगना के साथ काम करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया। डायरेक्टर का बयान इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल न्यूज नेशन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। हंसल ने ये बयान एक इंटरव्यू के दौरान दिया, जहाँ उनसे पूछा गया कि क्या कंगना ने फिल्म सिमरन की एडिटिंग का काम संभाला था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, एडिट नहीं टेक ओवर किया था उसने। अगर उसके बारे में निष्पक्ष होकर बोला जाए, लेकिन एडिट टेक ओवर करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि मटेरियल ही वही था जो उसने शूट करवाया था। वह एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, वास्तव में बहुत अच्छी अभिनेत्री है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने बारे में फिल्में बनाकर खुद को सीमित कर लिया है। आपको सभी कैरेक्टर्स को वैसा बनाने की जरूरत नहीं है जैसा आप सोचते हैं कि आप हैं। हंसल ने आगे कंगना की फिल्म धाकड़ के सॉन्ग शी इज ऑन फायर के बारे में बात करते हुए कहा, अभी उसका एक गाना आया है, वो आग लगा देने वाली महिला है। आप जानते हैं कि ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपने लिए चाहते हैं, आप इसे वहां रखते हैं। वह जिन चीजों का चुनाव करती है उसकी आलोचना करने का हक मेरे पास नहीं है। वो बड़ी स्टार है, इसे मैं मेंटेन रखता हूं, लेकिन उसके साथ काम करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आपको बता दें कि हंसल और कंगना ने फिल्म सिमरन में साथ काम किया था, जिसे लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। ऐसे में माना यही जा रहा है कि हंसल मेहता के ऐसा कहने के पीछे यही वजह है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।